अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब जान और आप देख रहे हैं आल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, इस वीडियो को स्किप मत कर लीजिए, बाद में आपको दिक्कत होगी। दोस्तों चले हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान के जिस ज़िले से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपको ये राशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सारे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दी गई है और गरीब लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे, तो दोस्तों इसी तहत गरीब लोगों को हुकूमत पाकिस्तान एक माह के लिए बिल्कुल फ्री राशन दे रहे हैं। तो दोस्तों आप ये फ्री राशन किस तरह हासिल कर सकते हैं मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताने वाला हूँ, और मैं भी ये भी बताऊंगा कि आपको ये राशन कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों चलें हम वीडियो की तरह बढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपको वो फॉर्म कहाँ से हासिल करना है। दोस्तों आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए ताकि आपको ये फॉर्म मिल सके। दोस्तों मैं ये फॉर्म हासिल कर चुका हूँ और आप ये फॉर्म भी हासिल कर सकते हैं। इस फॉर्म भरने का तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूँगा। एहसास राशन प्रोग्राम जी ये पाकिस्तान के तमाम लोगों को मिल रहे हैं। इस फॉर्म में आपको क्या क्या लिखना है? दोस्तों सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है, जो आईडी कार्ड में आपका नाम है वो इस खाने में लिखना है। इसके बाद आपने अपने CINC का नंबर डालना है, अपना कमीशन अधिकार का नंबर डालना है। ये बात ज़रूर जहन में रख लीजिए कि आपने 13 डिजिट्स का जो आईडी कार्ड नंबर है वो बाहर देश के लगाना है। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है ताकि आपसे राबेता हो सके। इसके अलावा दोस्तों आपने अपना एड्रेस, आपका आईडी कार्ड में जो एड्रेस है वो लिखना है। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है ज़िला, आप जिस ज़िले से भी ताल्लुक़ रखते हो उस ज़िले को आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेशावर से हो, बजावर से हो, खैबर से हो, बनू से हो, जिस ज़िले से भी हो आपने अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना तहसील जो है वो सेलेक्ट करना है, अपने तहसील का नाम लिखना है। इसके अलावा आपने मोबाइल का नंबर जो है वो एंटर करना है। इसके अलावा जो है दोस्तों अगर आपको 4 दिन के अंदर ये राशन नहीं मिलता तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दरख्वास्त जमा कराने के बाद 4 दिन तक राशन वसूल नहीं होता तो आप 4471 पर SMS कर सकते हैं। तो दोस्तों आप SMS किस तरह कर सकते हैं, आपको मैं SMS करने का तरीका भी बता रहा हूँ। दोस्तों आपने MW लिखना है, इसके बाद स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, इसके बाद एड्रेस लिखना है, इसके बाद CINC नंबर लिखना है और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है और सेंड करना है 4471 पर। अगर आपको 4 दिन के अंदर राशन ना मिला तो, अगर आपके पहले तो आपको 4 दिन के अंदर ही राशन मिलेगा, अगर पाकिस्तान के जिस ज़िले से भी ताल्लुक़ रखते हो आपको फ्री राशन पहुँचाया जाएगा। दोस्तों ये फ्री राशन आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने घरों में कर्फ्यू की वजह से रह रहे हैं और आप मजदूरी नहीं कर सकते, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान आपको एक माह के लिए फ्री राशन दे रहे है। ये सिर्फ एक माह के लिए है, बाकी देखा जाएगा कि अगर हंगामी हालात इस तरह चल रहे तो उसके बाद भी शायद आपको राशन मिल सकेंगे, लेकिन पहले तो एक माह के लिए ये राशन है। इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ये फॉर्म भरने का आसान तरीका है। अगर आपने मुकम्मल सही डिटेल दी तो इसके बाद आपने फॉर्म जमा करवाए पर क्लिक करना है, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एहसास वालों के पास आपका फॉर्म जो है वो सेंड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये राशन बिल्कुल आपके घर ही पहुंचाया जाएगा। अगर आपसे कोई पैसे मांगे कि मैं बहुत दूर से आया हूँ मेरे लिए 500 रुपये दे दीजिए तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना, क्योंकि ये आपका हक है, आपका बिल्कुल आपको ये बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जब हम इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर लेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा और आप वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकोगे। दोस्तों अभी तो वीडियो लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।